और अभी जो है परसों भी हमारी विभागीय जो निदेशिका है हेमलता शर्मा, हेमा शर्मा जी और राजबाला कटारिया जी ज्वाइंट डायरेक्टर, उनके साथ तालमेल कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें भी एक सहमति हुई। 12 तारीख को प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उसमें भी एक सहमति हुई थी और तयशुदा जो मांगे हैं जिन पर एक सहमति हुई थी उनको लागू करने की बात सरकार ने, विभाग ने पूरा आश्वासन दिया कि हम इनको जो है जल्द ही पूरा कर देंगे और आप जो है आंदोलन को ख़त्म कीजिए, और हम जो है आंदोलन को ख़त्म नहीं स्थगित कर रहे हैं। शकुंतला का कहना है कि उनकी हड़ताल अभी भी खत्म नहीं हुई है, फिलहाल उन्होंने हड़ताल को स्थगित किया है। बताया जा रहा है कि कल से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपने काम पर लौटाएंगी। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी कमलेश गर्ग ने बताया कि सरकार द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों की तालमेल कमेटी की उनकी डायरेक्टर के साथ बैठक हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि उनकी सभी मांगों को मान लिया जाए। सर, सरकार द्वारा यही आदेश जारी किए गए कि जो इनकी मांगे हैं ना, निदेशक महोदय के साथ इनकी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो इनकी मांगे वो सारी मान ली जाएंगी और ये अपनी हड़ताल जो खत्म कर दें। मैडम, टर्मिनेशन की बात की, कितने टर्मिनेशन जो कैथल की अगर बात की जाए, कितनी वर्कर थी जो टर्मिनेट की गई थी और अब क्या किया गया सरकार द्वारा? सर, कैथल में मेरे ख्याल लगभग 9 के आसपास आंगनवाड़ी वर्कर जो है टर्मिनेट की गई थी। जैसे आदेश ऊपर से आएंगे वैसे आदेश मान लिए जाएंगे सर यहाँ पे। तो अब आगे की क्या रूपरेखा होगी, किस तरह कब से जो सेंटर है वो खुलने? सर, कल से ही हो जाएंगे शुरू, आज ये लोग ज्वाइनिंग दे रहे हैं अपनी, कल से अपने सेंटरों में आ जाएंगी सब। बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की मुख्य मांगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, समान काम समान वेतन, बढ़ाया गया वेतनमान शुरू करना, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर प्रमोशन करना, प्रदर्शन में दर्ज हुए मुकदमों को रद्द करने समेत अन्य कई मांगे थी जिन्हें सरकार ने अब पूरा कर लिया है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों की हड़ताल खत्म होने पर राज्य मंत्री कमलेश ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपने किया, आपने पूछा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी समय से हड़ताल पर हैं, क्या कुछ समाधान सरकार द्वारा? देखिए, भारतीय जनता, हमारे जो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनकी जो डिमांडें थी, जो इनकी बात थी, उनको जो जायज मांगे थी हमने मानी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर को अपने निवास स्थान पर बुलाकर के साथ मीटिंग की और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, और अब जितनी पहले बैठी थी धरने पर इतनी नहीं है, 70% अपने काम पर लौट गई हैं, 30 से भी कम ऐसी हैं जो अभी बैठी हैं, और वो भी जल्दी ही अपने काम पर लौटने का काम करेंगे, और जो जायज मांगे थे उनकी मानी। और कमलेश ने कहा कि 70% आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले ही काम पर लौट चुकी थी, लेकिन सरकार के फैसले के बाद बाकी की कार्यकर्ताएं भी अपने प्रदर्शन को। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। चुनाव के टाइम में तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, दोबारा वादा की है जी। तो हम लोग ही हैं, एक सेविका ही हैं जो घर घर जाके सबको जागरूक करती है, तो हम लोग बिगाड़ भी सकते हैं। सही बात है, सही उनका वोटर बिगाड़ भी सकते हैं जी, जी। हर वार्ड में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है जी, जी, जी। और पूरे से बिहार की सेविका है, अगर चाहेंगे तो उनका कुर्सी भी उतार सकते हैं, हम लोग छीन सकते हैं जी जी। जो कुर्सी देने का क्षमता रखता है वो उतारने का भी क्षमता रखता है। सही बात। जब एक बार कहते हैं कि महिला का बहुत बड़ा आदमी है कि महिला को मानते हैं, फिर देखते हैं कि महिला का कुछ मतलब लाभ नहीं मिलता है जी 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 जी। जब हम लोग पूरे मतलब वार्ड का कुपोषण दूर कर रहे हैं, अब खुद मेरा परिवार का बच्चा जो है कुपोषण हो रहा है जी 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 जी। इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, अपना बच्चा छोड़ के दूसरे के बच्चा को हम लोग भलाई करते हैं। सही बात है, सही बात है। चलिए, इनका कथन अनुसार आपने सुना जो कि तेजस्वी यादव, इलेक्शन के टाइम में आपने तो बड़े बड़े वादे किए जो कि मैं जब आऊंगा तो हर लोगों का समस्या दूर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप किनका समस्या दूर कर रहे हैं सभी लोग जानते भी हैं और सभी लोग को इस चीज से वाकिफ है जो कि तेजस्वी यादव कितना बड़ा बात बोले और वो धरातल पे आके और क्या कर रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो आपने जो जो वादा आपने इलेक्शन के टाइम किया उस वादा पे आप खरा उतरिए, अन्यथा इनका कथन अनुसार आपने सुना जो कि जिस लोगों को मैं कुर्सी देने का क्षमता रखता हूं उनको कुर्सी से उतारने का भी क्षमता रखता हूं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है जो कि जो बात आपने बोला उस बात पे खरा उतरिए, अन्यथा उसका अंजाम क्या होगा वो आपका फैसला, आपके हाथ। धन्यवाद।